जैक इंग्लिश। चिल्ड्रेन आज हम पढ़ेंगे ई साउंड। ई साउंड जो है हमारा पेज नंबर 46 पे है। आ से लेके ड साउंड तक हम काम कर चुके हैं, ठीक है। अब तो फिर स्टार्ट करते हैं हम ई। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एम्बुलम, ई फॉर एम्बुलम, ई फॉर एग, ठीक है स्टूडेंट। ई साउंड इज अ, ई साउंड इज अ स्टूडेंट। अब देन हम काम करेंगे कलरिंग, ठीक है। कलर से स्टार्ट करते हैं हम। एलिफेंट में हमारा कलर हुआ हुआ है, देन हमने एम्बुलम पे कलर करना है। तो एम्बुलम पे हम लाइट ब्लू कलर करते हैं। कलर करने के लिए हम पहले साइड बाय साइड दिस टाइप ऐसे साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, देन दिस साइड साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, देन अप एंड डाउन, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आपने इस तरह से कलर कंप्लीट करना है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कलरिंग ऐसे करना है कि आपकी कलरिंग में व्हाइटनेस बिल्कुल नजर नहीं आए। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी पिक में कलर नहीं किया है, थोड़ी में किया है। बाकी पूरी पिक के अंदर आपने कलर खुद करना है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको सेकंड पिक में भी कलर करके दिखा देती हूँ। वैसे तो स्टूडेंट जो एग का कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जो दूसरा एग होता है एक और तरह का, उसके अंदर ब्राउन कलर होता है, तो हम वो लाइट ब्राउन कलर भी कर सकते हैं दिस टाइप, ठीक है। इस तरह लाइट लाइट कलर करेंगे ना तो वो सेम कलर आ जाएगा हमारा। पहले इसमें भी साइड बाय साइड, ठीक है, ऐसे लाइट ब्राउन कलर करते जाए। डार्क करेंगे तो फिर कलर एक का रहेगा नहीं, तो इसलिए हम लाइट लाइट कलर ही करेंगे, ठीक है। और देन इस तरह अप एंड डाउन करते जाना है और लाइट लाइट कलर कर। स्टूडेंट ये हमारा कलर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब आप लोगों ने इसको कंप्लीट खुद करना है, ठीक है। मैंने हाफ आपको करके दिखाया है, तरीका कार बताया है आपको करने का, देन आपने आप खुद काम करना है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। अब ई साउंड की जो हम एक्टिविटी करने लगे, पेज नंबर 47, कलर द एग विद द लेटर ई। ई जो है वो इधर तलाश करना है हमने और उस एग के अंदर कलरिंग करनी है जस्ट ई साउंड वाले में, ठीक है। अब इसमें ई साउंड को किस में है, ये है, फिर ऐसे है, फिर ई दिया हुआ है, एस ई ई एस एस ई। अब इसके अंदर जो सिर्फ ई वाले साउंड है हमारे, जस्ट उसके अंदर हमने कलरिंग करनी है। एक में मैं कलर करके दिखाती हूँ, बाकी में आपने खुद करना है। ये इसमें भी हम ब्राउन कलर ही कर लेते हैं, क्योंकि व्हाइट तो कलर हमारे पास है नहीं और इसके अंदर ऑलरेडी हुआ हुआ भी है। ज्यादा डार्क कलर नहीं करना, नहीं तो फिर ये एग रहेगा ही नहीं, ठीक है, लगेगा ही नहीं कि एग है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा कलर इज डन। बाकी जो है ये आपका वर्क है जो कि आपने कंप्लीट करना है खुद, ठीक है। अब देन नीचे आ जाते हैं हम, पहले फिंगर प्रेस करेंगे ई साउंड, ठीक है। फिंगर की मदद से ई की शेप बनाएंगे हम इस तरह, देन मेक अ कर्व, ठीक है। ये हमारी ई का साउंड आ गया है। ये हमने फिंगर के बनाने से शेप स्टार्ट करें, द सेंटर पहले कर्व की शेप हम बनाएंगे, देन हम उसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे ले आके थोड़ा सा मोड़ देंगे, तो हमारा किसकी शेप बन जाएगी, अ साउंड की, ठीक है। सेकंड हमारे पास दो दिए हुए हैं, उसके अंदर ए हम करना वाटर कलर भी कर सकते हैं, क्रेयोन के मदद से कर सकते हैं, एंड देन पेंसिल कलर भी कर सकते हैं,
तो मैं आपको एक में पेंसिल कलर करना सिखा रही हूँ। देखो एरो की मदद से हमें दिया हुआ है, हम इसी की शेप में बनाते हुए जाएंगे तो हमारी ई की फॉर्मेशन भी हमारी बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। ये देखें जैसे हमें दी हुई है ना फॉर्मेशन, इसी तरह हम बनाते जाएंगे। ठीक है, अब जस्ट वन पिक में मैंने कर दिया है साउंड में ई में, टेन सेकंड में आपने खुद करना है। ठीक है, ये हमारा कलर एक्टिविटी जो थी वो हमारी ई की कंप्लीट हो गई। देन हम ट्रेसिंग पे आ जाते हैं, तो फिर हम ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेसिंग के लिए अब डॉट दिया हुआ है देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एरो की मदद से बताया गया था यहाँ से स्टार्ट करना है, इसी तरह हम ट्रेसिंग में भी इस तरह स्टार्ट करना है। देन ऊपर की साइड लेके आएंगे एंड कर्व की शेप बना देंगे दिस टाइप। ठीक है, देन सेकंड भी हम इसी तरह स्टार्ट करने वाले हैं, ऊपर की साइड आए एंड मेक अ कर्व। ठीक है स्टूडेंट, दो मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं, बाकी को आपने खुद कंप्लीट करना है। आज का हमारा काम यही खत्म होता है, अल्लाह हाफिज़।